तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं तो ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फाइनल एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारी बोरुटो मांगा चैप्टर 70 को, जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड से चीज़ें देखने को मिलने वाली है, लेकिन उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। तो इसलिए बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये चैप्टर पिछले चैप्टर के एंड से ही स्टार्ट होता है। जो हमारा शिकामारू होता है, वो हमारे एडा को ऑफर देता है कि वो कोनोहा की फ्रेंड बन सकती है एंड कवागी से अच्छी बातचीत बना सकती है। एडा ये सुनकर इस बात पर सोचने लगती है, बट वहीं पर जो हमारा कोड होता है वो एडा से कहता है, एडा कहीं तुम मुझे छोड़ने तो नहीं वाली, तुम ऐसा नहीं कर सकती। बट जो हमारी एडा होती है वो कोड की बात सुनने के बाद उससे कहती है, शट अप कोड, मेरे पास इस बात पर एग्री या डिसएग्री करने के लिए पूरे राइट्स है। एंड देन ये कहकर वो अपनी शिनरिंगान को एक्टिवेट कर लेती है। हमारा शिकामारू शिनरिंगान को देखकर चौंक जाता है और वह कहता है, ये कैसा जुजुत्सु है? लेकिन इतने में ये मशीन दिखा जाता है हमारे नारुतो का, जो कि लैब के पास आ जाता है और वो कुछ कोड लगाने लगता है। बट हम देखते हैं कि सही पासवर्ड एंटर करने के बावजूद भी वो दरवाजा नहीं खुलता है। हमारे शिकामारू इनो की एबिलिटी से हमारे नारुतो से कॉन्टेक्ट करता है एंड वो हमारे नारुतो से कहता है, नारुतो, मैं भी एनिमी की एबिलिटी से डील कर रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज थोड़ी देर के लिए इस रूम में एंटर मत करना और इस दरवाजे को मत तोड़ना। नारुतो शिकामारू से पूछता है कि क्या वो ठीक है। हमारे शिकामारू कहता है, मैं भी तो सब कुछ बता नहीं सकता, मेरे पास टाइम कम है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर हमारे बोरुटो एंड सास्के भी आ जाते हैं। तेनजिन वापस से दिखाया जाता है हमारे लैब के अंदर का। जो हमारी एडा होती है वो हमारे शिकामारू से कहती है, तो नारुतो वगैरह बाहर आ चुके हैं और तुमने अपने पार्टनर से बोलकर उन दरवाजे को बंद करवा लिया है ताकि वो मेरी एबिलिटी में ना आ जाए, है ना? एंड ये सुनने के बाद हमारे शिकामारू चौंक जाता है और वो कहता है, इसे कैसे पता, कहीं वो डुजुत्सु तो नहीं। हमारा अमाडो शिकामारू से कॉन्टेक्ट करता है और वो शिकामारू से कहता है, हाँ, ये उसका डुजुत्सु ही है, शिनरिंगान। इस डुजुत्सु की हेल्प से एडा इस दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इस दुनिया के हर एक कोने को एक साथ एक पल में देख सकती है, और तो और ऊपर से इसके बर्थ तक के पास्ट को भी देख सकती है। इसका मतलब इससे कुछ भी नहीं छुप सकता। एंड ये सुनकर हमारा शिकामारू अगेन पैनिक करने लगता है, बट वो एक बात तो समझ जाता है कि एडा माइंड टू माइंड वाली बातचीत को नहीं समझ सकती। बट तभी एडा हमारे शिकामारू से कहती है, शिकामारू, कोनोहा से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं कोनोहा का बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहती। बट तभी हमारा शिकामारू कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, पर अगर तुम कोड का इसी तरीके से साथ देती रही तो तुम कोनोहा की एक एनिमी बन जाओगी, तो इसलिए एडा ये सब तुम्हारे ऊपर है, कोनोहा या कोड, सोचो, आराम से सोचो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इतने में सीन चेंज होता है हमारे कवाकी एंड सुमेरे की ओर। जो हमारी सुमेरे होती है वो कवाकी से कहती है, कवाकी, देखो मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था, पर मैं इतनी जरूर श्योर हूँ कि तुमने वो स्टेप काफी मुश्किल से उठाया होगा। पर छोड़ो इन सब बातों को, अब बोरुतो भी ठीक है और तुम भी ठीक हो। लेकिन इतने में ही हमारा कवाकी उसके कारमा को देखते हुए कहता है, बुढ़ा अमाडो, उसने मेरी परमिशन के बिना ही मेरे हाथ में कारमा लगवा दिया, मैंने उसे इस चीज़ के लिए परमिशन भी नहीं दी थी। पर तभी जो हमारी सुमेरे होती है वो कवाकी से कहती है, शायद जब मास्टर अमाडो तुम्हारे हाथ को सही कर रहे थे तभी उन्होंने इसमें कारमा लगवा दिया होगा, क्योंकि उन्हें ये करने में काफ़ी टाइम लग गया था। बट हमारा कवाकी कंटिन्यू करते हुए कहता है, वेल, जो भी हो, पर इसने मुझे एक अच्छा रिटर्न दिया है। अगर उस वक्त मेरे पास ये कारमा नहीं होता तो शायद आज लॉर्ड सेवन जिंदा नहीं होते। शायद आसान शब्द में कहूँ तो मुझे इस कारमा की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बट तभी जो हमारी सुमेरे होती है वो हमारे कवाकी से काफ़ी अच्छी बात बोलती है, जिससे हमारे सुमेरे का काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। हमारी सुमेरे कवाकी से कहती है, कवाकी, देखो कुछ उल्टा मत समझना और बुरा भी मत मानना, पर मुझे लगता है जो मास्टर अमाडो है उन्होंने तुम्हारे हाथ पे कारमा तुम्हारे फ़ायदों के लिए नहीं लगवाया, उन्होंने तुम्हारे हाथ पे कारमा अपने फ़ायदों के लिए लगवाया है। देखो मेरे पास इस बात के लिए कोई प्रूफ तो नहीं है, बट मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है। एंड सुमेरी का ऐसा कहते ही सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हमारी लैब में जो हमारा कोड होता है उसके नाखून घुसा रहा होता है हमारे अमाडो के अंदर, और वो अमाडो से कहता है, ओए बुढ़े, जल्दी बोल दे उस कोड को और मेरे लिमिटर हटा, जल्दी कर। एंड ऐसा कहते वो हमारे अमाडो को दर्द दे रहा होता है। हमारा अमाडो काफ़ी दर्द में होता है और शिकामारू से कहता है, शिकामारू, मैं और नहीं झेल सकता। बट शिकामारू से कहता है, सुनो, अगर तुमने इसके लिमिटर हटा दिए तो ये तुम्हें वैसे ही मार देगा, क्या तुम्हें नहीं लगता इसकी एक बार ज़रूरत खत्म हो गई तो ये तुम्हें जिंदा ही क्यों रखेगा? तो इसलिए बेटर यही होगा तुम इसके लिमिटर ना हटाओ, ये तुम्हें नहीं मारेगा क्योंकि इसे तुम्हारी ज़रूरत है। अमाडो शिकामारू से कहता है, क्या हो अगर मैं दर्द के मारे ही मर जाऊँ तो? एंड यहाँ पर हमारे शिकामारू का काफ़ी ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो रहा होता है। बट तभी हमारी एडा कुछ सेंस करती है और वह कहती है, कोड, हमें यहाँ से निकलना होगा। कोड कहता है, अब क्या हो गया? हमारी एडा कहती है, कवाकी यहाँ पर आने वाला है। शिकामारू इस बारे में सोचता है और वह कहता है, रुको दो मिनट, इसका डोर तो लॉक है बट वेंट खुला है, कवाकी सुकोना कोना की हेल्प से यहाँ पर आ सकता है, और अगर वो यहाँ पे आया तो वो कोड के क्लोमार को हटा देगा जिस वजह से ये लोग यहाँ से एस्केप नहीं कर पाएंगे। काफ़ी बढ़िया, कवाकी जल्दी आ जाओ। बट तभी हमारे बुढ़े अमाडो शिकामारू से कहते हैं, नहीं, ये रीज़न नहीं है।
हाँ एक रीजन तो यह है, पर दूसरा रीजन और है। हामाशिकामारू कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बुढ़ा अमाडो कहता है, एडा की एबिलिटी इसके ब्लड रिलेटिव्स और उत्सुत्सुकी के ऊपर फर्क नहीं करती। ये सुनकर हामाशिकामारू को भाई पूरा का पूरा मत्था खराब हो जाता है। वो अमाडो से कहता है, चूतिए तूने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसका मतलब बोरिटो और कावाकी इसकी एबिलिटी से फ्री है। अमाडो उसके ऊपर कहता है, हाँ तुमने सही कहा। हामाशिकामारू कहता है, तो तू चूतिया है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अमाडो कहता है, अगर मैं तुम्हें सब पहले बता देता तो तुम कावाकी को यहाँ पर बुला लेते, है ना? हामाशिकामारू कहता है, हाँ तो इसमें बुराई भी क्या है? अमाडो इस पर कहता है, देखो मैं नहीं चाहता कि ये जो कोड है और कावाकी है ये एक दूसरे को आपस में लड़की खत्म कर दे। देखो मुझे पता है जो कावाकी है वो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल नहीं है, इवन दो वो तुम्हारे लिए खतरा ही है, बट स्टिल मैं नहीं चाहता कि वो इस तरीके से मारा जाए। देन अमाडो कहता है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार कोड को पकड़ लेना, तुम्हें दोबारा भी तो चांस मिलेगा। बट तभी जो हमारा कोड होता है वो अमाडो को लात मार के उसके लॉ मार्क में धकेल लेता है और वो कहता है, वेल बुढ़े मैं तुमसे वहीं पर डील करूंगा। एंड हमारे अमाडो को उसके अंदर जाता देख हामाशिकामारू को काफ़ी दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है, अमाडो नहीं। बट तभी वो सोचता है कि अगर वो एडा और कोड को यहाँ पर रोक ले उसकी शैडो पोजीशन एबिलिटी से तो कावाकी यहाँ पर जल्दी आता होगा, और अगर मैंने थोड़ी देर तक और रोक लिया तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एंड ये सोचते ही वो यूज़ करता है कागेमान नो जुत्सु यानी कि शैडो पोजीशन जुत्सु, एंड वो पजेस कर लेता है हमारे कोड को और एडा को। लेकिन इतने में ही जो हमारी एडा होती है वो पहले शिकामारू की तरफ देखती है एंड देन डेल्टा की तरफ। वो डेल्टा से कहती है, डेल्टा डियर मैं जकड़ी हुई हूँ, तुम्हें दिख रहा है ना, तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। हम डेल्टा सुनने के बाद कहती है, हाँ हाँ एडा मुझे पता है क्या करना है। एंड ये कहने के बाद वो किक कर देती है हमारे शिकामारू को। उसकी किक की वजह से जो हमारे शिकामारू होता है वो कोड एंड एडा को फ्री कर देता है और कोड और एडा उस क्लोमार्क में घुस जाते हैं। जो हमारा कोड होता है वो जाते जाते शिकामारू से कहता है, वेल मुझे लगा नहीं था तुम इतने ज़्यादा खतरनाक होंगे, बट अब तुम मेरी लिस्ट में काफ़ी ऊपर आ चुके हो तो इसलिए बच के रहना। हामाशिकामारू उससे कहता है, निकल यहाँ से निकल, नहीं तो अभी कावाकी आ रहा है वो तुझे बताएगा। एंड हामाशिकामारू वहाँ से चला जाता है। एडा भी जाते जाते हामाशिकामारू से कहती है, शिकामारू तुम्हारे ऑफर के लिए शुक्रिया, वापस मिलेंगे। एंड ये कहकर हमारी एडा भी वहाँ से चली जाती है। बट इतने में ही वहाँ पे आता है हमारा कावाकी और वो कहता है, वो लोग कहाँ पर है? और अमाडो मुझे उससे काफ़ी सारी चीज़ें पूछनी है, अमाडो कहाँ पर है? शिकामारू कहता है, वेल पता नहीं वो कहाँ होगा, शायद वो अभी ऑलरेडी मर भी चुका होगा। बट तभी हमारा कावाकी देखता है कोड के क्लोमार्क को और वो कहता है, कोड यहाँ पर आया था। शिकामारू कहता है, वेल अब कुछ नहीं हो सकता, बट क्या तुम अपनी एबिलिटी की हेल्प से इन क्लोमार को छोटा कर सकती हो ताकि यूज ही ना हो पाए? लेकिन इतने में सीन चेंज होता है हमारे कोड के हाइड आउट की ओर। हम देखते हैं हमारा डायमोन वेलकम करता है हमारे अमाडो को और वो कहता है, और बुढ़े अमाडो तू कैसा है, बहुत दिनों बाद मिला रे। हमारा अमाडो डायमोन को देख कर ज़्यादा शौक नहीं होता, अब बंदे को आदत सी हो गई है। बट तभी जो कोड होता है वो हमारे अमाडो को गर्दन से पकड़ता है और वो कहता है, अमाडो अब तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, और अगर क्या हो मैं तुम्हें दर्द दूँ, मैं तुम्हें टॉर्चर करूँ तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, मेरे लिमिटर शांति से हटा दो। हमारा अमाडो से कहता है, देखो क्या हो अगर मैं तुम्हें लिमिटर हटा दूँ और तुम्हें जिंदा रहने दो, देखो मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे जिंदा रहने देना। कोड उससे कहता है, तुम्हारा कोई प्राइड वगैरह है, तुम्हारी कोई इज्जत वगैरह भी है? इतना बिना इज्जत का आदमी मैंने पहली बार देखा है। खैर जो भी हो शायद मैं तुम्हें ना मारूं, बट अगर तुमने मेरे लिमिटर नहीं हटाए तो मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करूँगा और मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द भी दूंगा। अमाडो उससे कहता है, देखो क्या हो अगर मैं दर्द की वजह से मर जाऊँ तो? हमारा कोड कहता है, वेल अगर क्या हो मैं तुम्हें दर्द की वजह से ना मारूँ और तुम मेरे लिमिटर हटा दो और मैं तुम्हें एक बार में ही मार दूँ तो, और शायद मेरे लिमिटर हटने के बाद मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा भी रहने दे सकता हूँ, तो इसलिए ये तुम्हारे ऊपर है। और ये कहकर वो हमारे अमाडो को अगेन टॉर्चर करने लगता है और अब हमारे अमाडो से सहा नहीं जाता, इसलिए वो हमारे कोड के ऊपर से लिमिटर हटवा देता है। वो एक कोड कहता है, देर इज़ नो ड्रेस कोड, एंड इस कोड के कहते ही हमारे कोड के लिमिटर हट जाते हैं और हम देखते हैं एक नए कोड को जिसके हेयर होते हैं वाइट कलर के, ये बात हमें डायमंड बताता है, और इसके आईलैशेज भी पूरे चेंज हो जाते हैं। कोड तू बदल गया यार, पहले वाला अच्छा था। एंड देन कोड वो लाइन कहता है जो हर एक विलन कहता है। कोड कहता है, आई कैन फील द पावर। भाई सच बता रहा हूँ यार, मुझे पुराना वाला कोड काफ़ी अच्छा लगता था, भले ही वो बंदा चूतिया था बट स्टिल वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, उससे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आती थी। बट अब ये कोड वैसा नहीं रहा। आप मुझे इस वाले कोड के बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। एंड देन हमें दिखाया जाता है लास्ट पैनल, जो हमारा कोड होता है वो हमारे अमाडो से कहता है, अमाडो शायद तुम्हें काफ़ी दर्द हो रहा है ना,
तो क्यों ना मैं तुम्हें इस दर्द से फ्री कर दूँ। एंड हमारा जो कोड होता है वो अमाडो के ऊपर एक अटैक करने ही वाला होता है। और इसी क्लिफहैंगर के साथ आज का ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। एंड यार वॉइस ओवर में मेरा काफ़ी ज़्यादा ही दिमाग खराब हुआ, सीरियसली काफ़ी ज़्यादा ही, क्योंकि मेरे घर के आसपास काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मेरे पास जो सही वॉइस ओवर क्लिप्स थी उन्हें भी मुझे बार बार रिमूव करना पड़ा एंड वापस से अपनी वॉइस देनी पड़ी। तो यार आई होप कि आप लोग समझ पाओगे और इस वीडियो को एक लाइक कर दोगे। आई होप कि इस वीडियो को आप एक लाइक तो कर ही दोगे, मुझे काफ़ी ज़्यादा ही उम्मीदें हैं, लाइक मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो मिलेगा। सो यार गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।